चलिए गैस, मैं आपको तहरी बना के दिखाऊंगी। और ये तहरी जो है ना, मतलब बहुत यम्मी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने मटर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और ये लौकी ली थी मैंने कुछ, आप लोग देख सकते हो। और ये समा के चावल हैं, जो समा वाले चावल आते हैं ये भिगो दिए थे। और लहसुन की कली ले ली है 3 से 4 और एक शिमला मिर्ची बाद में ऐड करूँगी। तो चलिए, पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो ये देखिए, मैंने ये सारा सामान ले लिया, आप लोग देख सकते हो। तो ये मतलब ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। और आपके पास और ज़्यादा मतलब वेजिटेबल हों तो वो भी आप ले सकते हो, बट मेरे पास इतना ही था तो मैंने इतना ही ले लिया था। और जो शिमला मिर्ची है वो मैं बाद में ऐड करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बाद में ही ऐड करूंगी उसको, क्योंकि उसका नहीं फिर पता नहीं चलता शिमला मिर्ची कहाँ गई, तो इस वजह से। और ये लौकी ले लिए मैंने थोड़ी सी, जो कि लौकी बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो चलिए गाइस, फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी घी। तो ये मैंने पहले गर्म करने के लिए रख दी है कढ़ाई, और आप कुकर में बना सकते हो, कढ़ाई में जो आपका मन हो उसमें बना सकते हो, बट मैं इसी कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो इसमें ना थोड़ा सा मतलब इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी कढ़ाई को। तो चलिए, इसमें मैं घी ऐड करती हूँ पहले। तो ये देखिए, और मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। आप लोग तेल या रिफाइंड जो मतलब जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हो, बट मैं घी में बनाऊंगी और ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। तो आप लोग अपने हिसाब से, अगर घी में बनाए तो अपने हिसाब से ले लें। और सबसे पहले मैंने डाली इसमें हींग और जीरा, और इसके बाद इसमें प्याज ऐड करूँगी जो मैंने कट करके रखी, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन की कली। तो मैं ये सब एक साथ ही ऐड कर दूँगी इसमें। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं अच्छे से चला लूँगी इसको, और इसको ज़्यादा नहीं भून रहा है, भूनना है मतलब बहुत हल्का सा करना। और उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने इसको ज़्यादा